बॉन्डिंग के एमसीक्यूज की डिस्कशन करनी है तो बिरा। अच्छा, तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के एमसीक्यूज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव प्लेनर ज्योमेट्री। सो बेंजीन वी नो दैट प्लेनर, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। इथीन हमारे पास प्लेनर है, sp2। बोरोन ट्राईफ्लोराइड हमारे पास प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बट फास्फोरस ट्राईक्लोराइड हमारे पास प्लेनर नहीं है। सही, इनके हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री होती है, पायरामिडल, बिकॉज इसका हमारे पास एक लोन पेयर होता है। सो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके अच्छा, सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन वन दैट इज जियंट आयोनिक। अच्छा, आयोनिक को अब इसमें से हमारे पास ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है, दैट इज Al2O3। हमारे पास आयोनिक है ना, सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये आयोनिक है। एंड सेकंड क्या पूछा हुआ है, एंड वन दैट इज सिंपल मॉलिक्यूल, और ये सिंपल इसका डाइमर है हमारे पास ना, ये सिंपल मॉलिक्यूल है, AlCl3 का डाइमर है, Al2Cl6। ओके, सो ये ऑप्शन हमारे पास इसमें कुरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ओनली नॉन कोप्लेनर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास नॉन कोप्लेनर की हमारे पास पूछ रहे हैं ना, अल्केन हम जानते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है, नॉन कोप्लेनर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो दैट इज हमारे पास ये के अल्केन है। सो इसमें हमारे पास बी वाला ऑप्शन कुरेक्ट है, एंड हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और नॉन कोप्लेनर टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। ओके अच्छा, आयोनिक कंपाउंड शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करते। सही है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं बट आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करते। सो सी ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो गया। ऑल इन प्रेजेंट सॉलिड स्टेट, यस ये कुरेक्ट है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट क्योंकि आयंस आ जाते हैं, ये भी कुरेक्ट है। ऑल हैव नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड बॉन्ड, ये भी हमारे पास कुरेक्ट है। ओके अच्छा, MTBE मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल इन स्ट्रक्चर फार्मूला इज शोन बिलो। ये इसका हमारे पास एंगल पूछा है, रिस्क एंगल। सो ये रट्टा टाइप चीज़ है, एंगल वगैरह ये तो याद करने होते हैं ना। सो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन कुरेक्ट है, यहाँ का एंगल 109 डिग्री होता है हमारे पास, सही, और ये वाला 105 हमारे पास होता है। सो इसमें हमारे पास सी वाला ऑप्शन कुरेक्ट है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक कंडीशन फॉर द रेगुलर ज्योमेट्री। वेस्पर थ्योरी के लिए हमारे पास कौन से जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बेसिक कंडीशन, ज्योमेट्री के लिए कौन सा हमारे पास बेसिक कंडीशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाई सिमिलर एटम, ये बात सही है। सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर भी हमारे पास ज्योमेट्री की बात हम करते हैं। मॉलिक्यूल हैज सिमिलर बॉन्ड, ये बात भी हमारे पास सही है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल और सराउंडिंग एटम अफेक्ट द बॉन्ड एंगल। वेस्पर ने हमें इसके बारे में नहीं बताया था, वो क्या कहते हैं कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल और सराउंडिंग एटम हैव नो इफेक्ट ऑन द बॉन्ड एंगल। सही है, वेस्पर थ्योरी के मुताबिक ये जो कंडीशन थी ना, ये हमारे पास बेसिक कंडीशन नहीं है। सो इसमें हमारे पास डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, मेजोरिटी ऑफ कंपाउंड इन नेचर, सो मोस्टली कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास ऑर्डिनरी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। विच प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाई कोवेलेंट कंपाउंड, कौन सी प्रॉपर्टी कोवेलेंट कंपाउंड शो नहीं करती, दे आर प्रेजेंट इन द गैस लिक्विड सॉलिड स्टेट, यस दे आर मोर रिएक्टिव देन आयोनिक कंपाउंड, नहीं दे आर लेस रिएक्टिव, हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं। सही है, सो बी वाला हमारे पास नहीं है। दे शो रेजोनेंस एंड सुमेरिज्म, यस दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू आयोनिक कंपाउंड, यस ये बात भी हमारे पास सही है। ओके, सो बी ऑप्शन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव लीनियर ज्योमेट्री, सो इसमें हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री किसकी है, दैट इज HCN। HCN हैव लीनियर ज्योमेट्री लाइक BeCl2 हो गया हमारे पास, जैसे हमने पीछे पढ़ा था CO2 हो गया, हमने अल्काइन के बारे में पढ़ा था वो लीनियर ज्योमेट्री थी, हम HgCl2 के बारे में पढ़ा था उसकी भी हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री थी। ओके अच्छा, 10th MCQ, सो इसमें कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास, इसमें हमारे पास सी वाला ऑप्शन बन रहा है। सेकेंड है, हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू और पॉजिटिव बिकॉज ऑफ, सो जब और इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, सो वो रिपल्शन होती है ना इलेक्ट्रॉन के दरमियान, दैट्स वाई। सो 10 में हमारे पास ए वाला ऑप्शन कुरेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम ऑफ एलिमेंट। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड तब बनता है ना जब एक एलिमेंट हो हमारे पास, उसके आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम हो, तो उनके आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम हो तो वो कौन से एटम होंगे, वो तो हमारे पास मेटल होंगे।
और एक वो हो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किनकी ज़्यादा होती है, जिनकी साइज़ छोटी होती है, यानी वो हमारे पास नॉन मेटल होंगे। सो इसमें मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, ये हमने ढूंढना है। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड ये हमारे पास नज़दीक नज़दीक पड़े हैं ना। ये एल्यूमिनियम तो तकरीबन मेटल के साथ बिल्कुल अटैच ग्रुप है, मेटल के साथ तीसरे ग्रुप में आता है। बोरान एंड फ्लोराइड ये भी हमारे पास नहीं बनाते। एच एंड सी एल ये भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ले लें, एन ए एंड एच इनका जो हमारे पास बॉन्ड होता है ना, दैट इज़ आयोनिक बॉन्ड हमारे पास। अच्छा, इन लोगों ने वैल्यू दी हुई है ना कि सोडियम की, आप लोगों को पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। क्यों कम है? सोडियम पहले पहले उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इतना पुल नहीं है इलेक्ट्रॉन पर, वो इलेक्ट्रॉन ईजिली हम लॉस कर सकते हैं। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हाइड्रोजन हमारे पास ज़्यादा हैं, सो दैट्स वाई हमारे पास एन ए और जो एच एन, ये हमारे पास क्या करेंगे, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। ओके, इसमें हमारे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है सिक्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सो सिक्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एन सी एल थ्री के हमारे पास सिक्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ओके, एक सी एल के साथ, दूसरे सी एल के साथ, तीसरे, एक दो तीन चार पाँच और छः, छः बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है NCl के हमारे पास। ओके, NCl3। अच्छा, 13 में हम आते हैं कि इफ़ टू एटम आर बॉन्डेड इन सच ए वे दैट वन मेंबर ऑफ द कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल डोनेट बोथ इलेक्ट्रॉन दैट आर शेयर्ड, देन व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड। अच्छा, जब एक ही एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करे ना, लेट सपोज दो दोस्तों पैसे एक दे और वो खाए फिर दोनों दे, ऐसे बॉन्ड को हम फिर क्या कहते हैं, ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। पैसे एक के और मजे दोनों ले रहे हैं, ओके, सो ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, विच ऑफ द मॉलिक्यूल शो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सो कौन सा मॉलिक्यूल है हमारे पास जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री करे, दैट इज SO4, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। ओके, अच्छा, ज्योमेट्री में हम बॉन्ड पेयर सारे लेते हैं। ओके, ज्योमेट्री में हमारे पास SO4 शो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड CCl4, सो वी नो दैट इनमें हमारे पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज हमारे पास इनमें होते हैं, ठीक। अच्छा, तो C2H2, अच्छा, अल्काइन दिए हुए, अल्काइन में हमें पता है तीन बॉन्ड होते हैं। अब इसमें इसने पूछे हुए सिग्मा कितने, सिग्मा एक दो तीन सिग्मा और दो पाई हो गए, सो 3 सिग्मा एंड 2 पाई, सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जियांट सॉलिड हैव ग्रेटर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, सो वी नो दैट जियांट स्ट्रक्चर हमारे पास कौन से होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड के होते हैं, और फिर उसके बाद उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हमारे पास हो जाती है। विद द इंक्रीज ऑफ विच आर द फॉलोइंग फैक्टर बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज, सो किसकी वजह से ना, विद इंक्रीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास कब डिक्रीज होगी, अगर हमारे पास इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है ना, तो वो तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा हमारे पास, सही है, सो ये तो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब ज़्यादा होगा, सो बॉन्ड एनर्जी भी हमारे पास ज़्यादा होगी, लेकिन ये तो कहता है कि बॉन्ड एनर्जी को कम होना चाहिए। अगर हमारे पास बॉन्ड आर्डर विच विद द इंक्रीज ऑफ फॉलोइंग, अगर हम बॉन्ड आर्डर को बढ़ाएँ, सो अगर हम बॉन्ड आर्डर को बढ़ाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, एस करेक्टर को बढ़ाएंगे फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर को बढ़ाएंगे फिर हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एस करेक्टर तो हमारे पास ये है ना कि SP3 होता है, एक SP2 होता है, एक SP, सो एस करेक्टर जितना बढ़ रहा है ना, बॉन्ड एनर्जी हमारे पास इंक्रीज हो रही है। ओके, सो ये भी हमारे पास करेक्ट है, बॉन्ड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब हम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करते हैं ना, सो ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें ये लोग रिपल्शन ले आते हैं, वो बॉन्ड हमारे पास अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से भी बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही थी, बॉन्ड आर्डर की वजह से भी हमारे पास बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही थी, क्योंकि जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे ना हमारे पास, लेट सपोज तीन बॉन्ड है उसकी हमारे पास बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, दो बॉन्ड है उसकी तीन से कम होगी, लेकिन दो वो एक से तो हमारे पास ज़्यादा होगी, सो बॉन्ड आर्डर बढ़ रहा है, हमारे पास बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ रही है, एस करेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से हमारे पास जो बढ़ते हैं, रिपल्जन आती है, रिपल्जन की वजह से अनस्टेबिलिटी होती है,
सो इसकी वजह से फिर हमारे पास बर्न एनर्जी डिक्रीज होती है. सो 18 में हमारे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट है. ओके अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी, कौन से मॉलिक्यूल की हमारे पास ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी है. सो दैट हमारे पास कौन है, HH, क्योंकि इनकी हमारे पास बॉन्ड एनर्जी ऑलमोस्ट 436 किलो जोल पर मोल हमारे पास आती है. एक मिनट मैं ऊपर चला जाऊँ. ठीक 436, बाकी इसके हमारे पास कम है, इसके हमारे पास कम है, इसकी भी इन सारों से कम है. सो इनमें से हमारे पास एक ही बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है. एक तो इनमें हमारे पास कोई लोन पेयर भी नहीं होता ना, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल नहीं होता, दैट्स वाई दे आर मोर स्टेबल. और एक तो इनकी साइज भी बहुत छोटी है इस वजह से. ओके अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, सो वी नो दैट SO3 की हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है. मार्क द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन द इंडिकेटेड मॉलिक्यूल. अच्छा HCl में तो हमारे पास डीबाई फोर्सेज नहीं होती, ये बात गलत. CaCl3 डाइपोल फोर्सेज, ये बात हमारे पास सही है. हेलोजन लंडन है, नोबल गैसेज में भी लंडन है. सो ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो गए. ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्ट. सो कीटोन जो होते हैं ना, वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, बाकी अल्कोहल बनाते हैं, माइनो इथेन, कार्बोजिलिक एसिड, ये सारे हमारे पास बनाते हैं. ओके 23 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ बॉन्ड विद अनदर ऑफ इट्स ओन मॉलिक्यूल. सो कीटोन कीटोन जब हम आपस में हो, विच ऑफ द फॉलोइंग 23 है हमारे पास के, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अनदर ऑफ इट्स ओन मॉलिक्यूल. अच्छा जब हमारे पास देखो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारे पास 23 में जो है ना, ए वाला ऑप्शन है. क्यों, अल्कोहल तो हमारे पास बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, NH3 बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, NH2 के पास हाइड्रोजन है, ये भी हमारे पास बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड. सो हमारे पास ए वाला ऑप्शन आ गया, ये रह गया, ये हमारे पास नहीं बनाता. ओके क्योंकि इनका जो हाइड्रोजन होता है ना, वो कोवेलेंटली बॉन्ड नहीं होता है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है. जैसे हमारे पास कार्बन हो, फोन हो गया ना, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसलिए फिर जो है ना, ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड अपने मॉलिक्यूल के साथ नहीं बनाते. बाकी ये बाकी जो C, B and D ऑप्शन हमारे पास बनाते हैं. ओके अच्छा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज एज रेफ्रिजरेटिंग बिकॉज इट रेडिली चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड इनटू वेपर स्टेट एट लो टेम्परेचर, व्हाट इज दिस इंडिकेट द इंटर. सो इसमें हमारे पास कौन से फोर्सेज होंगे, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होंगे. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय ड्रूड एंड एक्सटेंड बाय लॉरेन टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलिक सॉलिड. सो दैट वॉज इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी थी. ओके ये रटा टाइप क्वेश्चन है, बुक लाइन है, सो इसको याद कर लें. अच्छा, व्हेन हीटेड सॉलिड आयोडीन रेडिली फ्रॉम आयोडीन वेपर, व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन सजेस्ट दैट. अच्छा, आयोडीन सॉलिड से किया है, आयोडीन सॉलिड से गया है आयोडीन वेपर में, तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है. सो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, वहाँ पे भी हमारे पास मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे भी हमारे पास मॉलिक्यूल है. ओके और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस भी कहते हैं, जब सॉलिड इनटू वेपर जा रहा हो. ओके अच्छा, 27 मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज टू line industrial furnace because it has a very high melting point. Which type of bond need to be broken for magnesium oxide to melt? So we know that कि magnesium हमारे पास इधर metal है, okay? और वो oxygen उधर non-metal है. So जब ये bond बनाते हैं, ये हमारे पास कौन सा bond बनाते हैं? Ionic bond बनाते हैं. अच्छा, all of the following are correct statement regarding difference between polar and non-polar bond. इट द सिमिलर आर दोज हैविंग नेगलिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. ये नॉन पोलर ऐसे ही है और ये पोलर वो है जिसमें 1/8 इज अ वीकर बॉन्ड, इट इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. ये बात भी सही है हमारे पास. इट हैज नो पोलरिटी, इसकी पोलरिटी होती है. इट इज मोर रिएक्टिव, नहीं ये हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं और ये हमारे पास मोर रिएक्टिव. सो डी ऑप्शन हमारे पास. ओके अच्छा, 29 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. फिर इसमें हमने इट इज फाउंड बाय लीनियर ओवरलैपिंग, यस. इट इज फाउंड बाय पैरेलल, इट हैज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, नहीं इसकी तो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट नहीं होती है, तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो रोटेट कर सकते हैं. ओके सो बी ऑप्शन हमारे पास गलत है, रॉन्ग है. ओके इनकी रोटेशन ईजिली हो सकती है, जबकि वो डबल बॉन्ड जैसे अगर दो लकड़ियाँ हो ना, वो रोटेट आपस में नहीं कर सकते, एक तो अकेले रोटेट कर सकती है. सो सिबा की सी वाला भी सही है, डी वाला भी हमारे पास सही है. ठीक है अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ स्पीशी. अच्छा सबसे तो पहले जो नेगेटिव होते हैं ना, उस
वो हमारे पास उसकी साइज सबसे बड़ी होती है, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आता है नया शेल आता है, साइज बढ़ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास वंडरवाल रेडियस सबसे ज़्यादा है ना, क्योंकि वंडरवाल रेडियस की वजह से साइज बढ़ जाती है। उसके बाद जो हमारे पास हैं कोवेलेंट रेडियस है वंडरवाल के बाद, और प्लस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लास्ट करते हैं उसकी साइज बहुत छोटी हो जाती है, सो प्लस के हमारे पास। तो इसमें हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ओके। अच्छा 31, द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियर ऑफ एटम फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ, ऑल ऑफ द फंक्शन आर करेक्ट मैच्ड एक्सेप्ट, कौन सा गलत है? 31 हमारे पास, ओके। सो SiH4 मोनोसिलेन इसका नाम है, sp3 हाइब्रिडाइज, 148 बॉन्ड लेंथ होता है, यस। इथीन sp2 है, इथीन में हमारे पास 154 किधर होता है, इन पिकोमीटर, इथीन ये 154 तो हमारे पास अल्केन का बॉन्ड लेंथ है, सही है। अल्कीन में हमारे पास कितना बॉन्ड लेंथ होता है, अल्कीन में हमारे पास होता है 133, और फिर अल्काइन में हमारे पास कितना होता है, अल्काइन में हमारे पास होता है 120 पिकोमीटर। सो इसमें बी वाला ऑप्शन हो गया, BF3 175, ये बात सही है। डी इथाइन SP हाइब्रिडाइजेशन है, सी ट्रिपल बॉन्ड 120 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ, ये बात भी हमारे पास सही, ओके। अच्छा नेक्स्ट 32, ऑब्जर्व द गिवन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास नाइट्रोजन एंड वन हाइड्रोजन एटम इन ऑल फोर स्ट्रक्चर में दिए हुए हैं ना, सो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास किस में होगा, नाइट्रोजन एंड वन हाइड्रोजन इन ऑल फोर स्ट्रक्चर, इनके दरमियान हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इसके साथ शेयर कर देते हैं और फिर यूज दोनों कर रहे होते हैं। अच्छा 33, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच फॉर आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड एक्सेप्ट, फिर हमारे पास कौन सा करेक्ट नहीं है हमारे पास, कि इट इज़ फाउंड बाई कंप्लीट ट्रांसफर, यस, इट इज़ म्यूचुअल शेयरिंग, ये करेक्ट है। माइग्रेटेड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू ओनली वन ऑफ द टू, हाँ कोई भी किसी के साथ भी ताल्लुक हो सकता है इसका। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिलोंग टू बोथ, इसमें दोनों शेयर होते हैं, इट इज़ डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं, आयोनिक बॉन्ड हमारे पास क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जबकि ये हमारे पास डायरेक्शनल होते हैं, सो सी वाला हमारे पास रॉन्ग हो गया। इट इज़ शो बाई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यस, और ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं, ओके। नो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज 100% आयोनिक इन नेचर, दिस इज ड्यू टू व्हेन केटायन एंड एनायन अप्रोच ईच अदर पोसिबिलिटी इंक्रीजेज ओनली, ये बात सही है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेसेस टू सम एक्सटेंट ओनली, यस, सो बोथ ए एंड बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, है ना। अच्छा 30, वी KCN द कंपाउंड विच बोथ KCN, वाई कि देखो ना, के में भी बॉन्ड है सी के साथ, सी का भी बॉन्ड है एन के साथ, तो इसमें हमारे पास दोनों बॉन्ड मौजूद है, आयोनिक भी है कोवेलेंट भी है, सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ओके। यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।